Now next C program based on array copy operation. Suppose that अगर आपके पास two integer array available हैं, array A और array B. इसके इसमें जस्ट perform क्या कराना? Copy the elements of first array inside another array. Means just existing array के elements copy किसमें कराना? New array. तो इसके इसमें जस्ट आप means previous examples में जस्ट deal किया था only with single array elements. लेकिन इसके इसमें जस्ट आपको कितने array के साथ work करने की need होगी? Just two arrays. इसलिए मैंने two array के respect में diagrams create किए हैं. पहले इसके लिए जस्ट मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा बाय फॉलोइंग गिवन डायग्राम देन फाइनली राइट डाउन क्या करेंगे सोर्स कोड. मींस सपोज दैट फर्स्ट एरे क्या है इसके इसमें ए एरे ए के एलिमेंट में कॉपी किसमें करना चाहता हूं एरे बी के अंदर. तो इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या हुआ सपोज दैट एरे ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं एंड एरे बी का साइज क्या है इसके इसमें जस्ट 3. तो इस केस में एरे बी के अंदर एरे ए के एलिमेंट्स कॉपी करना पॉसिबल हुआ क्या नॉट पॉसिबल. मींस इस केस में सबसे पहले मैंडेटरी कंडीशन क्या है मींस टारगेट जैसे एरे में आप कॉपी एलिमेंट्स कॉपी करना चाहते हो उस एरे का साइज क्या होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज ऑफ सोर्स एरे. मींस जिस एरे से आप एलिमेंट्स कॉपी कर रहे हो तो इस केस में इससे इसका साइज रिप्रेजेंट क्या किया या तो इसका साइज क्या होना चाहिए 5 और 5 प्लस डॉट डॉट. क्लियर. नेक्स्ट वन जस्ट इस केस में जब भी आप कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे तो कॉपी ऑपरेशन यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा. इसलिए सपोज दैट अगर फंक्शन का नेम क्या है जस्ट कॉपी और कॉपी एरे लाइक दैट देन इस केस में एलिमेंट्स कॉपी किसके कराना है एरे ए के. तो एरे ए को सप्लाई करूंगा एज अ सेकंड आर्गुमेंट प्लस जिसे एरे में एलिमेंट्स कॉपी कराना है टारगेट एरे मीन इसको पास करना है फर्स्ट आर्गुमेंट. इस केस में इस फंक्शन का जस्ट बेसिक आइडिया क्या रहेगा कॉपी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे ए इनसाइड एरे बी मीन्स दिस इज अ फ्रॉम प्लेस मीन्स जिस प्लेस से कॉपी करना है जिस इज द टू जिसे एरे के अंदर असाइनमेंट कराना. क्लियर. देन अब इसके इसमें चेक करो इसके इसमें टोटली आपके पास टू एरे जब कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो फर्स्ट टाइम ए जीरो का एलिमेंट कॉपी किसमें हुआ मीन्स इंडेक्स क्या फर्स्ट एलिमेंट का जीरो तो बी के अंदर भी सेम इंडेक्स में साइन करेंगे या डिफरेंट इंडेक्स एवरी टाइम सेम इंडेक्स सेम इंडेक्स एरे ए के इंडेक्स वन का एलिमेंट बी के किस इंडेक्स में कॉपी हुआ करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स वन मीन्स डेटा जिस इंडेक्स से आप रीड करो सेम इंडेक्स में साइन करो तो आपको टू डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स वेरियल्स मैनेज करने की जरूरत नहीं मतलब सिंगल इंडेक्स वेरियल मैनेज करोगे क्योंकि दोनों ही केस में सेम इंडेक्सिंग रिक्वायर्ड. लेकिन दोनों ही केस में एरे के नेम्स कैसे हुए डिफरेंट डिफरेंट इसके इसमें जस्ट बेसिक आइडिया क्या रहेगा आप एवरी टाइम फर्स्ट टाइम कॉपी क्या करोगे ए ऑफ जीरो ए ऑफ जीरो को असाइन किस में करा रहे हैं इन साइड बी जीरो. क्लियर. नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ ए ऑफ वन और ए ऑफ वन का वैल्यू किस में असाइन कराएंगे बी ऑफ वन. स्पेशली याद रखना एरे टू एरे डायरेक्टली असाइनमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं. इसके इसमें रेज क्या हुआ कंपाइल टाइम एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड इसलिए आपको सारे लॉजिक खुद से मैनुअली प्रोवाइड करने होंगे. नेक्स्ट वन मीन फर्स्ट टाइम ए जीरो का वैल्यू क्या है 5 आसानी किस में रहा बी जीरो में तो ए जीरो का वैल्यू 5 आसानी किस में जाएगा बी जीरो. सेम है नेक्स्ट टाइम ए वन के प्लेस पर क्या आ जाएगा ए वन का वैल्यू 10 आसानी किस में जाएगा बी ऑफ वन बी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके इसमें जस्ट 10. सिमिलरली नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या करोगे वैल्यू ऑफ ए ऑफ 2 प्लस असाइनमेंट किस में हुआ बी ऑफ 2 मीन जिस इंडेक्स से आप रीड कर रहे हो सेम इंडेक्स में असाइन कराना है. क्लियर. प्लस ये ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराना है अप टू ए ऑफ एन माइनस वन अगर एन का वैल्यू एन मीन साइज लॉजिकल साइज ऑफ एरे अगर एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स अवेलेबल तो एन का वैल्यू क्या होगा 5 5 माइनस वन लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा 4 इसलिए 5 माइनस वन क्या आएगा जस्ट 4 लाइक दैट बी ऑफ एन माइनस वन लाइक दैट. फाइनली इस केस में जीरो इंडेक्स मैंने किससे कराएंगे आई के फॉर्म में तो इसको राइट डाउन करने के जस्ट लॉजिकल ये क्या होगा बी ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई नथिंग एल्स. क्लियर. देन इसको मैनेज किस फॉर्म करो इन द फॉर्म ऑफ लूप. लूप के अंदर आई का इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो से कब तक चलाना है लेस देन एन आई प्लस प्लस मीन से सिंगल टू स्टेटमेंट के थ्रू कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म कराना पॉसिबल. लेकिन इस केस में जस्ट ऑपरेशन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में परफॉर्म कराना चाहता हूँ तो इसके लिए क्रिएट क्या करें जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न टाइप एज वॉइड फंक्शन नेम एज कॉपी. आर्ग्यूमेंट्स कितने पास होंगे जस्ट इस फंक्शन को जब आप कॉल कराओगे लाइक दैट तो उसके इसमें सप्लाई क्या कराएंगे एरे बी कॉमा एरे ए तो ए के एलिमेंट्स कॉपी किस में जाएंगे जस्ट एरे बी के फॉर्म में. क्लियर. देन टू आर्गुमेंट्स फर्स्ट केस में क्या पास होगा एरे बी का बेस एड्रेस सेकंड केस में पास क्या होगा एरे ए का बेस एड्रेस. तो इसके इसमें एड्रेस को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल किस टाइप यूज करेंगे जस्ट पॉइंटर वेरिएबल. मैं सेम नेम यूज कर रहा हूँ जिससे आपको लिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो डिफरेंट नेम भी लेना पॉसिबल लाइक अ पी और क्यू एंड सो ऑन. क्लियर. सिंपली इसके इसमें परफॉर्म क्या कराना है लूप लूप को मैनेज करने के लिए डिक्लेरेशन किसके लिए प्रोवाइड करूँ वेरिएबल
आई, इंटीजर आई प्लस लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना हुआ, फ्रॉम बिगिनिंग इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स, बिगिनिंग इंडेक्स क्या है जीरो, लास्ट इंडेक्स क्या है एन माइनस वन, तो आई का इनिशियलाइजेशन कैसे करा हुआ है जीरो से, लूप कब तक चलाएंगे आई लेस देन एन, एवरी टाइम इंडेक्स में डिफरेंस कितने का जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन मीन्स वन से, इसलिए क्या करूँ इसके साथ आई प्लस प्लस, असाइनमेंट किस में कराना है बी ऑफ आई, असाइन किस में करा हुआ है ए ऑफ आई, क्लियर देन क्लोज दिस वन मोर केस, इसके समय ए इस फंक्शन के अंदर ए और बी क्या है एरे और पॉइंटर, पॉइंटर्स तो पॉइंटर्स के केस में याद रखना असाइनमेंट कैसा है वैलिड, लेकिन इससे कोई भी एरे ऑपरेशन कॉपी से स्टेटमेंट वैलिड है, लेकिन इस केस में कोई भी एरे ऑपरेशन कॉपी नहीं, अगर आप इस टाइप का स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दे फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को कॉल किया तो कॉपी फंक्शन के अंदर जस्ट फर्स्ट आर्गुमेंट के प्लेस पर क्या पास हो जाएगा बी, बी मीन्स बेस एड्रेस ऑफ एरे बी विच इज 200, ए के प्लेस पर क्या पास हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ ए विच इज 100, देन जब ये फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन के अंदर टू पॉइंटर वैल्यूज क्रिएट होना पी सॉरी ए एंड बी, इस फंक्शन के अंदर ए और बी क्या है जस्ट पॉइंटर, इनके साइज क्या होंगे टू टू बाइट्स, तो फर्स्ट केस में कॉलिंग के अकॉर्डिंग 200 केस में साइन हो जाएगा बी में एंड 100 केस में कॉपी हो जाएगा ए में, अगर आप डायरेक्टली इस टाइप से राइट करोगे तो ए का वैल्यू क्या 100 या 100 आसान किस में हो जाएगा पॉइंटर ई में, मिस इस केस में जस्ट पॉइंटर में एड्रेस कॉपी हुआ है एलिमेंट्स कहीं भी कॉपी हुआ है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग नहीं, इस देयरफॉर इट इज लॉजिकली इनवैलिड, ये सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं आएगा लेकिन इससे कोई एरे ऑफ कॉपी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट वन फाइनली इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए राइट डाउन करेंगे ऑल लॉजिक्स इन द फॉर्म ऑफ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करने के लिए प्रोवाइड क्या करो फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले उसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी, फर्स्ट आर्गुमेंट इंट स्टार सेकेंड आर्गुमेंट इज ऑल्सो इंट स्टार, देन फाइनली मेन फंक्शन वॉइड मेन, मेन के रिस्पेक्ट में जस्ट मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के परफेक्ट स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो मेन के अंदर कितने वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है जस्ट ए एरे ए, ए का मैं मैक्सिमम साइज यूज करूंगा 100, एरे बी बी का भी मैं सेम साइज यूज करूंगा 100, प्लस लॉजिकली कितने एलिमेंट्स मैनेज करें 100 एलिमेंट्स मैनेज ना करें, एलिमेंट्स कितने मैनेज करेंगे जस्ट एन एलिमेंट, तो एन का वैल्यू की वर्ड से रीड कराना मीन टू एरे डिक्लेरेशन प्लस एन प्लस एरे के इंडेक्सेस मीन फाइनली कॉपी होने के बाद बी के मैं जस्ट कॉपी एलिमेंट डिस्प्ले कराना चाहूँ तो एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करें लूपिंग स्टेटमेंट, लूप के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ इटरेटिव वेरिएबल आई, फाइनली कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है फोर वेरिएबल्स, फर्स्ट स्टेप क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन ए विद मैक्सिमम साइज 100 कॉमा बी ऑल्सो मैक्सिमम साइज एज 100 एन कॉमा आई, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या था वेरिएबल डिक्लेरेशन, सेकेंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स, तो इस केस में इनपुट किसके लिए रीड कराना है इनपुट्स में टू वैल्यू रीड कराना है लॉजिकल साइज ऑफ एरे एन एंड एन एलिमेंट्स फॉर एरे ए, इसे एलिमेंट दोनों ही एरे के लिए कीवर्ड से रीड करना ओनली सिंगल एरे ओनली सिंगल ए, देन सेकंड एरे के लिए रीड ना करा के जस्ट कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, तो इस केस में सबसे पहले इनपुट में क्या रीड कराना वैल्यू ऑफ एन, एन मीन्स लॉजिकल साइज, एक बार आपके पास एन का वैल्यू आ गया देन एन एलिमेंट्स कीवर्ड से रीड करो, तो पहले एन का वैल्यू रीड करेंगे जस्ट इससे पहले डिस्प्ले क्या कराएंगे सम मैसेज एंटर साइज ऑफ एरे, साइज मीन्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स यूजिंग स्कैन एप, तो स्कैन एप से वैल्यू किसका रीड होगा जस्ट वेरिएबल एन, सेकेंड केस वैल्यू सपोज दैट एन का वैल्यू मैंने 5 एंटर किया देन एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड डाउन करेंगे 5 एलिमेंट, एरे का फिजिकल साइज 100 है लेकिन लॉजिकली कितने एलिमेंट्स मैनेज होंगे ओनली 5 एलिमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट टाइम जस्ट मैं मैसेज स्पीकर आ रहा हूँ एंटर एन एलिमेंट्स मीन्स एंटर एन, एन के प्लेस पर परसेंट डी एन आइटम्स स्लैश एन डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ एन, सेकेंड केस फाइनली एरे के लिए एलिमेंट स्कैनर फंक्शन के थ्रू रीड कर लेकिन स्कैनर कितनी बार एग्जीक्यूट करा हुआ एन टाइम्स और एन टाइम्स एग्जीक्यूट कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ लूप आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस सेम एज प्रीवियस ऑपरेशन नथिंग न्यू स्कैनर परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, इससे जस्ट परफॉर्म क्या हो रहा है रीड ऑपरेशन, तो कितने एलिमेंट्स रीड कराए एन एंड एरे ए, ए के लिए कितने एलिमेंट्स रीड होंगे जस्ट एन एलिमेंट्स, नेक्स्ट केस रीड ऑपरेशन के जस्ट बाद थर्ड स्टेप क्या है लॉजिक्स
लॉजिक के रिस्पेक्ट में, लॉजिक में मेन फंक्शन के अंदर पढ़ने के लिए लॉजिक्स ऑलरेडी किसके अंदर है, इनसाइड कॉपी ऑपरेशन और कॉपी फंक्शन। तो इस प्लेस पर जस्ट जहाँ भी आपको लॉजिक्स रिक्वायर्ड होंगे इस प्लेस पर कॉल के करा लेंगे, जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन है कॉपी, प्लस इसमें एलिमेंट कॉपी किसके कराना है, एरे ए के एलिमेंट्स कॉपी किसमें कराना चाहते हो, एरे बी में, तो बी पास करवाया जाए फर्स्ट आर्गुमेंट और ए पास करवाया जाए सेकेंड आर्गुमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन मीन्स इस केस में सेकेंड एरे के एलिमेंट या सेकेंड आर्गुमेंट के एलिमेंट्स कॉपी किसमें होंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट में। क्लियर। नेक्स्ट वन ऑपरेशंस परफॉर्म होने के जस्ट बाद फोर्थ केस क्या, फाइनली डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स, डिस्प्ले रिजल्ट और आउटपुट। तो डिस्प्ले की बात करें तो रिजल्ट से जस्ट आपने मीन्स जो भी लॉजिक है अप्लाई किए, लॉजिक किसके लिए है, एरे बी के लिए, तो एरे ए में तो कोई चेंजेस परफॉर्म ही नहीं किए हैं, इसलिए आप मीन्स इस केस में डिस्प्ले क्या कराना चाहोगे टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट एलिमेंट ऑफ एरे बी और किसी भी एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट बेसिक लॉजिक क्या रहता है, लूप के थ्रू कॉल क्या करा लोगे, जस्ट प्रिंट है। तो इस केस में अगर आप दोनों ही एरे के एलिमेंट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लूप और लॉजिक्स टू टाइम रिपीट होंगे, टू टाइम रिपीट ना करेंगे, इसके लिए डिस्प्ले कराने के लिए वन सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, वॉइड प्रिंट और डिस्प्ले। प्रिंट फंक्शन का वर्किंग क्या है, गिवन एरे के ऑल एलिमेंट डिस्प्ले कराना, प्लस इस एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने होना चाहिए, एन। तो अगेन डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल बेसिक लॉजिक है, इंटीजर आई फॉर लूप आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन ए। आई थिंक मुझे डिस्प्ले के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप की लॉजिक मैं कई बार बता चुका हूँ। सिंपली इस केस में यूज क्या करो, प्रिंट है, भाई लूप कितनी बार चलेगा, एन टाइम, और एन टाइम आपने जिस एरे का एड्रेस पास किया उस एरे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ए ऑफ आई, या ए से कन्फ्यूज हो रहा, सिंपली इसका पॉइंटर नेम यूज करो पी, देन क्लोज दिस। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन का वर्किंग है, जो भी जिस एरे का एड्रेस पास किया उस एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करना। तो इस केस में पहले एरे ए के एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो एरे ए के एलिमेंट डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट कॉल क्या कर लूंगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम एज प्रिंट, सप्लाई क्या करेंगे ए कॉमा साइज ऑफ ए, और ए का साइज क्या है जस्ट एन। जब ए पास करो, ए का एड्रेस क्या था डायग्राम में, 100, तो यहाँ 100 वाले एरे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे, मीन्स आउटपुट क्या प्रिंट होगा इस केस में, आई थिंक इसमें एरे में एलिमेंट्स क्या थे, 5, 10, 15, 20 और 25, ये द एलिमेंट ऑफ एरे ए। सिमिलरली आपको एरे बी के एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, फिर से अगेन क्या कॉल कर लोगे, सेम फंक्शन, जब भी आपको एरे सॉरी फंक्शन नेम प्रिंट है, जब भी एरे बी के एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, एरे का नेम क्या पास करो, बी, दोनों के साइज कैसे हैं, सेम। तो नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम सेम प्रिंट है फंक्शन, जब बी का एड्रेस पास हो तो डिस्प्ले क्या करेगा, बी का एलिमेंट। अगर रियल में एरे ए के एलिमेंट परफेक्टली बी में कॉपी हुए हैं, दोनों ही केस में सेम रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि जस्ट इस केस में परफॉर्म क्या हुआ था, कॉपी ऑपरेशन, दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। इस केस में प्रिंट फंक्शन सेपरेटली क्यों क्रिएट किया है, या तो आपके पास टू चॉइस थे, या तो लूप आप टू टाइम्स इस प्लेस पर रिपीट करो फर्स्ट और सेकंड, या फिर सिंपली टू टाइम प्रिंट फंक्शन कॉल करा लो, लेकिन लॉजिक कितनी बार राइट हो, ओनली वन टाइम। दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट फंक्शन एज प्रिंट।